हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य इकॉनॉमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 तक सॉल्व कर लिया था। चलिए आज आगे बढ़ेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आएंगे। आइए पढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 5। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 इज एज फॉलो। लो, इस बार क्या दे दिया है? इनकम एक्सपेंडिचर वो बना के दे दिया, तो पक्का बात है वो क्या बनाने बोलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या रिसिप्ट पेमेंट हम लोग जानते हैं? हाँ सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक है। हम बोले हाँ, पैसा आएगा डेबिट में मतलब रिसिप्ट साइड में, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में मतलब पेमेंट साइड में। क्या हम लोग सेकेंड क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि जिस तरह प्लस माइनस करके हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते हैं, अगर कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल बता दे और हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट निकालना पड़े, तो सर ठीक उसका उल्टा प्लस माइनस करेंगे। जो आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर में प्लस करते थे वो रिसिप्ट पेमेंट में क्या करेंगे? माइनस। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग प्लस होता था, तो जब रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे तो क्या होगा? माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करते थे? माइनस। रिसिप्ट पेमेंट में क्या करेंगे? प्लस। क्लोजिंग एडवांस इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस होता था, यहां क्या होगा? प्लस। ओपनिंग एडवांस इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस होता था, तो ओपनिंग एडवांस इसमें क्या होगा? माइनस। बाकी वो एसेट्स लायबिलिटी जैसे लिखते थे वैसे ही लिख रहे होंगे, बस प्लस माइनस का अंतर हम लोग समझ रहे थे कि सर हम लोग देखे भी थे बना करके कि हाँ सर, जो इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस और माइनस होता था वो रिसिप्ट पेमेंट में ठीक रिवर्स होकर के उल्टा होकर प्लस माइनस होता है। हम बोले हाँ, चलिए तरीका वही रहेगा कि सर इनकम एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है उसको पढ़िए, नीचे का इन्फॉर्मेशन भी पढ़िए। जो इनकम एक्सपेंडिचर में है उसका रिकॉर्डिंग एक बार, और जो इन्फॉर्मेशन में है उसका रिकॉर्डिंग दो बार। नीचे का आइटम पढ़ के हम लोग क्या कर लेंगे? टेक। हम बोले बिल्कुल। अब वही नियम जो हम लास्ट क्लास लिखे थे कि सर जो रिसिप्ट के साइड होगा या तो वो इनकम होगा या वो लाइबिलिटी होगा एक्सेप्ट बीडी। हम बोले हाँ, तो जाहिर सा बात है जब हम इनकम का साइड पढ़ेंगे तो वो कौन सा साइड होगा? रिसिप्ट का साइड होगा। और जब हम एक्सपेंडिचर का साइड पढ़ेंगे तो वो कौन सा साइड होगा? पेमेंट का साइड होगा। ठीक बात। आओ पढ़े सैलरी, सर पेमेंट में जाएगा। जर्नल एक्सपेंस पेमेंट में। ऑडिट फी, सेक्रेटरी होनोरियम, स्टेशनरी, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन पेमेंट में जाएगा? ना, क्योंकि वो तो नॉन कैश है और नॉन कैश आइटम नहीं जाता है, याद होगा। तो सर ये कहां जाएगा? बाबू बैलेंस शीट में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। सरप्लस, सर कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में, एंट्रेंस फी रिसिप्ट में, कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट में, एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट रिसिप्ट में। दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब क्या बता रहा है? एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 15। 16 का सवाल है, 15 का बात कर रहा है, मतलब ये ओपनिंग है, तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। हम बोले बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2015, सर ये ओपनिंग एडवांस है। हम बोले हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर 2016, ये कौन सा एडवांस है? सर ये क्लोजिंग का एडवांस है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2016, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग का। सर सब्सक्रिप्शन को टिक कर लीजिए और इसके नीचे आपको चार लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि चार एडजस्टमेंट है, और नीचे का बात कितना बार रिकॉर्ड होगा? हम बोले दो बार। ठीक। फिर लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड, तो सैलरी को भी टिक कर लो, दो बार दो लाइन उसके लिए छोड़ देंगे क्योंकि ओपनिंग और एंड है। जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, तो ऊपर में कहीं जर्नल एक्सपेंसेस को भी टिक कर लो, वो प्रीपेड है। सर ये कौन सा प्रीपेड है, ओपनिंग या क्लोजिंग? कुछ नहीं बताया तो क्लोजिंग का प्रीपेड है। ऑडिट फी फॉर 2016 इज येट अनपेड, बोल रहा है ऑडिट फी 2016 का अनपेड है। हम बोले ठीक। ड्यूरिंग द ईयर, तो ऊपर में कहीं ऑडिट फी होगा टिक कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2016 ऑडिट फी फॉर 15 वाज पेड अमाउंटिंग टू ₹200, बोल रहा है 2016 में 2015 का ऑडिट फी का पेमेंट किए, तो जो ऊपर में एक्सपेंडिचर में ऑडिट फी दिख रहा है वो एक्चुअल में पेमेंट हुआ ही नहीं है क्योंकि वो तो बकाया चल रहा है। तो हम बोले सर वो आउटस्टैंडिंग है और पेमेंट कितना हुआ है? ₹200। हम बोले ठीक।
तो जो 200 रुपया पेमेंट हम 15 का 16 में किए हैं, क्या 15 में वो बाकी रहा होगा? हम बोले हाँ बाकी रहा होगा, तभी तो। बोले ठीक, आगे बढ़ो। द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ग्राउंड 10,000। क्लब के पास 10,000 रुपया का फ्री होल्ड लीज ग्राउंड है, 10,000 का। ये क्या है? हम बोले एसेट्स है, बैलेंस शीट में डाल देंगे। फिर लिखा है द क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 16 ओपनिंग का 2600 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 2700। बोल रहा है डेप्रिसिएशन घटाने के बाद इक्विपमेंट हो गया 2700, बात करेंगे। इन 15 क्लब के पास बैंक लोन था 2000 का, ये पैसा अभी भी बाकी है। तो हम बोले सर 15 में भी लाइबिलिटी, 16 में भी लाइबिलिटी। ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश हैंड हैंड अमाउंटिंग टू 1600। बोल रहा है 2016 में कैश इन हैंड है, मतलब सर बच गया जो पैसा, मतलब वो बैलेंस सीडी है, कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और कहां जाएगा सर? पेमेंट का बैलेंस सीडी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में बीडी आता था रिसिप्ट साइड, सीडी कहां आता था? पेमेंट साइड। तो सीडी का मतलब क्या सर? बचा हुआ कैश, मतलब क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश बता दिया 1600 रुपया। हम बोले ठीक। बोल रहा है बनाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट 2016 का। चलिए पहले फॉर्मेट बनाइए। चलिए शुरू किया जाए, पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड का आइटम क्या है? पेमेंट। हम बोले ठीक, तो पेमेंट साइड में बाबू यहां लिखो पेमेंट, और ये कौन सा साइड है? रिसिप्ट, डेबिट साइड। सैलरी, क्या सैलरी को टिक किए हुए हैं? जी, तो पैसा अंदर। कितना है? 4750। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंस, क्या इसको भी टिक किए हैं? जी, तो बाबू जर्नल एक्सपेंस का पैसा भी अंदर लिखना 500। उसके बाद ऑडिट फी, इसको भी टिक किए हैं तो इसका पैसा भी अंदर होगा। फिर है सेक्रेटरी का होनोरेरियम, क्या टिक किए हैं? नहीं, तो सीधा बाहर कर दो। ₹1000। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, सीधा बाहर, टिक थोड़ी किए हुए। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज, टिक नहीं है तो सीधा बाहर। डेप्रिसिएशन, सर वो तो घट जाएगा, जब आपके पास एसेट्स आएगा तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। एसेट्स का नाम क्या? बोले इक्विपमेंट। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का? 300। सरप्लस, सर जब कैपिटल फंड मिलेगा उसमें जोड़ देंगे। हम बोले जोड़ दो। ₹600। इनकम साइड, मतलब रिसिप्ट का साइड, सब्सक्रिप्शन टिक किया हुए है, ₹7500। एंट्रेंस फी, इसमें चार लाइन छोड़ रहे थे, बात किए हुए थे। एंट्रेंस फी ₹250। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, एनुअल स्पोर्ट मीट, रिसिप्ट ₹750। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि सर चाहे रिसिप्ट पेमेंट हो चाहे इनकम एक्सपेंडिचर हो, उसका आइटम एक ही बार आएगा, एक बार आया, हम लोग लिख दिए। हम बोले ठीक, अब नीचे पढ़ते हैं।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हम लोग क्या बना रहे हैं बाबू, रिसीप्ट पेमेंट। हम लोग अभी भी बात किए, लास्ट क्लास में बात किए थे कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के समय जो हम लोग प्लस माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग और एडवांस का, उसका ठीक अपोजिट होगा। तो वही काम करना है, जैसे लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 600, डेट पढ़ के मालूम चला। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते थे माइनस, यहां क्या करेंगे प्लस। कितना अमाउंट है 600, फिर ये क्या बन जाएगा एसेट्स की, सर इनकम आउटस्टैंडिंग है किस बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट का। उसके बाद लिखा है ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस होता था, यहां क्या होता होगा माइनस। कितना अमाउंट है 450। इनकम अगर एडवांस में मिलता था तो लायबिलिटी है, फिर लिखा है क्लोजिंग एडवांस इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस होता था तो रिसीप्ट पेमेंट में प्लस होगा। कितना रुपया 270। फिर सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ₹270। फिर है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस होता था तो यहां माइनस होगा। कितना अमाउंट है 750। सर ये एसेट्स बन जाएगा, क्लोजिंग का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। पहला बात खत्म, दो दो बार सब बार हुआ सबका आइटम का, हम बोले हां। सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस तो रिसीप्ट पेमेंट में प्लस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का 400। फिर ये क्या बन जाएगा सर लायबिलिटी, ओपनिंग का बैलेंस शीट में 400 और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 450। इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस तो रिसीप्ट पेमेंट में माइनस। फिर ये क्या बन जाएगा सर बैलेंस शीट का लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का 400। आगे पढ़िए जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। बोल रहा है जर्नल एक्सपेंस जो है उसमें ₹60 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। कौन सा प्रीपेड, क्लोजिंग। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता था सर क्लोजिंग एडवांस माइनस होता था तो यहां क्या होगा प्लस, क्लोजिंग एडवांस इंश्योरेंस। कितने रुपए का 60। खर्चा एडवांस है बाबू, है ना, इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस क्या है खर्चा, खर्चा एडवांस में किए एसेट्स, एडवांस इंश्योरेंस। कितने रुपए का, हम बोले 60, दो बार हुआ। आगे ऑडिट फी फॉर 2016 इज येट अनपेड, बोल रहा है 2016 का ऑडिट फी का हम पेमेंट ही नहीं किए। तो हम बोल रहे हैं सर मतलब वो इस साल क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है, हम बोले हां नहीं पे किए तो 16 में तो आउटस्टैंडिंग है, तो सर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, हम बोले बिल्कुल आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर में, तो इसमें क्या होगा माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कितना रुपया, हम बोले 250, यही तो अमाउंट है, तभी तो इनकम एक्सपेंडिचर लिखा हुआ था, ये तो नील बाहर निकला। हम बोले ठीक, अभी नील नहीं, रुक जाइए बाहर मत कीजिए एक बार कि सर आउटस्टैंडिंग। अब बताओ आउटस्टैंडिंग क्या बनेगा, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट्स, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी
कितने रुपए का 2500, दो बार हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फी फॉर 15 वाज अनपेड, सॉरी ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फी फॉर 15 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200। बोल रहा है 16 में 15 का पेमेंट किए, 16 में 15 का पेमेंट किए, मतलब क्या ये ऑडिट फी ओपनिंग का है? हम बोले हां। क्या ओपनिंग का एडजस्टमेंट हम लोग जानते हैं कि ओपनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग रहे तो क्या होता था? सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस होता था, तो रिसिप्ट पेमेंट में क्या होगा? प्लस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये गलती लिखा गया था बाबू, ये एसेट्स नहीं है, क्योंकि खर्चा है ना, खर्चा बकाया था तो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितना रुपया? 250। फिर हम बोले सर ये ओपनिंग वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट में अब बाहर कर सकते हैं 200 रुपये। बात ठीक, आगे बढ़ो। फिर लिखा है द क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड 10,000। बोल रहा है क्लब के पास 10,000 का फ्री होल्ड ग्राउंड है, तो हम बोले सर ओपनिंग में, दस हजार का फ्री होल्ड ग्राउंड ओपनिंग में है और कुछ नहीं बोलेगा तो फिर क्लोजिंग में भी है, एसेट्स तो गायब होगा नहीं। फ्री होल्ड ग्राउंड कितने का? 10,000। कोई टिक तो है नहीं इसमें, तो सर 10,000। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या लिखा है? फिर लिखा है क्लब के पास ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 2600 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का था? 2600 का। तो अगर ओपनिंग में था तो बेचा तो गया नहीं है, कहीं पे लिखा तो है नहीं सेल्स, तो सर फिर क्लोजिंग में भी होगा। हम बोले हां। फिर आगे लिखा हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 2700। बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इक्विपमेंट का वैल्यू जो बचा है वो है 2700, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितना दिख रहा है? 2300। तो एक बात बताओ दोस्त, 2300 रुपया दिख रहा है जबकि क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 2700 रुपया हो जाएगा। एसेट्स कैसे बढ़ता है सर? खरीदने से, तो परचेज किए होंगे 400 रुपया का। अब ये जो 400 का परचेज किए हैं सर, इससे तो पैसा गया। हम बोले हां, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पेमेंट में लिख दो। कितने रुपए का? 400 रुपए का। दो बार हुआ कि हां सर दो बार तो होना ही है। आगे बढ़ो, इन 2015 द क्लब है जब बैंक लोन 2015 का बात कर रहा है, तो हम बोले सर ये तो ओपनिंग लाइबिलिटी है, और बोल रहा है वो अभी तक पे नहीं किए, तो फिर क्लोजिंग में भी है 2000 का। आगे फिर लिखा है कैश इन हैंड 1600 रुपया है क्लोजिंग में, सर वो तो एसेट्स है, क्लोजिंग बता रहा है बाबू 16 का। कितना रुपया? 1600। क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा? हम बोले हां, बाय बैलेंस सीडी, यही तो है सीडी। क्वेश्चन खत्म। क्या करना होगा? हम बोले सर पहले सबको बाहर करते हैं, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या निकालेंगे? बैलेंस बीडी। हम जगह छोड़े नहीं है बाबू, एक्चुअली यहीं पर होता, हम यहां मिटा रहे हैं, यहीं पर होगा बैलेंस बीडी, क्योंकि सीडी है तो यहां पे क्या आने वाला होगा? बैलेंस बीडी। कैसे निकलेगा? हम बोले बैलेंसिंग फिगर से। ये साइड अधिक होगा, जोड़ के बाहर कीजिए, जैसे ये 4700, ठीक। अब इसका प्लस माइनस करके बाहर करते हैं, आइए एक चीज क्या छूट गया हमसे लिखने में सर, एनुअल डिनर एक्सपेंस। हम बोले और लिख लो उसको,
कितने रुपए का? 1500। एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500 लिख लिए। चलिए जोड़ा जाए, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 10,560। उसमें से इन सबको माइनस करिए तो बैलेंस बीडी निकल के आएगा 1390। जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। अब ये जो ओपनिंग बीडी आया ये क्या है? हम बोले सर कैश है ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो कैश यहां लिखो 1390। अब क्या निकालेंगे हम लोग? कैपिटल फंड। सबसे पहले जोड़िए कितना होता है तब निकलेगा कैपिटल फंड। ये जोड़ के आ रहा है 14,590। उसमें से इन सबको माइनस कीजिए 11,540। अब ये कैपिटल फंड यहां लिख देंगे, बाहर कितना आएगा 12,140। जोड़िए 15,110। ये मैच कर गया, लिखो यहां तक। इलस्ट्रेशन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब, मतलब इस बार इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों ही वो दे दिया है। प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखलाइए और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखलाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट मतलब इनकम का अकाउंट। बोले ठीक, आओ पढ़े। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। इनकम अपकीप ऑफ ग्राउंड, सॉरी एक्सपेंडिचर अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रेंट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बैलेंस शीट में, सर वो नॉन कैश आइटम है। बाकी अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? बोले सर ये सारा पेमेंट साइड जाएगा। इनकम सब्सक्रिप्शन ये कहां जाएगा? सर रिसिप्ट के साइड। सेल ऑफ न्यूज़पेपर रिसिप्ट के साइड, लेक्चर रिसिप्ट के साइड, एंट्रेंस फी रिसिप्ट के साइड, मिसलिनियस इनकम रिसिप्ट के साइड, डेफिसिट सर ये जाएगा बैलेंस शीट में जो बनाना ही नहीं है। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है बाबू, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 100 रुपया। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था। ये कौन सा एडवांस है? क्योंकि ये बैलेंस शीट क्लोजिंग का है तो जो एडवांस है वो भी क्लोजिंग का है। क्या क्लोजिंग एडवांस हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में माइनस करते थे? हम बोले हाँ। तो यहां क्या कर रहे होंगे? प्लस। फिर लिखा है प्राइज फंड ओपनिंग बैलेंस 25,000। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले का है, तो बोले सर उसका रिसिप्ट पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट 1000 प्लस, 1000 का इंटरेस्ट मिला होगा तो हम बोले सर मिला है तो रिसिप्ट में जाएगा 1000 रुपया। लेस प्राइज 2000, प्राइज माइनस किए मतलब खर्चा हो रहा है। याद करो फंड, हम फंड में क्या सिखाए थे? फंड में होने वाला इनकम फंड में प्लस होगा और फंड में होने वाला खर्चा फंड से माइनस होगा। तो जो फंड में इंटरेस्ट जुड़ा है वो इनकम हुआ है और मिला है तो कहां जाएगा? रिसिप्ट में। और जो फंड में प्राइज माइनस किए हैं वो क्या है? हम बोले सर एक्सपेंस है तो पेमेंट हुआ होगा तो कहां जाएगा? पेमेंट में। हम बोले ठीक, ये बात भी हो गया। फिर लिखा है जर्नल फंड ओपनिंग बैलेंस, जर्नल फंड मतलब कैपिटल फंड, डेफिसिट हम बोले उसका कोई मतलब है नहीं। इंट्रेंस फी हम बोले इंट्रेंस फी के बारे में कुछ बोलेगा वो देखेंगे। एसेट साइड में क्या है? फर्नीचर, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, जो कैश इन हैंड है वो क्लोजिंग है तो कहां जाएगा? बाय बैलेंस सीटी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये क्या है? क्लोजिंग। तो हम लोग ट्रीटमेंट जानते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का, ट्रीटमेंट क्या करना होता है रिसिप्ट पेमेंट में। अब नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रुपीज रिलेटिंग टू 14-15 पेड इन 15-16। बोल रहा है 14-15 का बकाया का पेमेंट अब हुआ है, क्या ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? हाँ। क्या करना चाहिए? सर इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे तो यहां क्या करेंगे? प्लस। 1/2 ऑफ इंटरेस्ट फी हैज बीन कैपिटलाइज बाय ट्रांसफर टू जर्नल फंड। मिल गया, जो इंट्रेंस फी बैलेंस शीट में आप देख रहे थे प्लस किया हुआ है वो क्वेश्चन बोला है उसको आप कैपिटलाइज किए हैं, मतलब आप उसको कैपिटल रिसिप्ट माने हैं। तो हम बोल रहे हैं बाबू जब हम लोग रिसिप्ट पेमेंट बनाएंगे और रिसिप्ट साइड में
जब लिखेंगे एंट्रेंस फी तो देखो इनकम साइड में एंट्रेंस फी है 1300 और बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किए हैं 1300, तो सब मिला के 2600 रुपया का इनकम, 2600 रुपया हमको मिला होगा तब जाकर के हम 1300 का इनकम दिखलाएं और 1300 का लाइबिलिटी दिखलाएं। तो जब हम लोग रिसिप्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम बोले लिखना होगा बाय सॉरी टू एंट्रेंस फी कितना रुपया, 1300 प्लस 1300 2600 रुपया। आगे बढ़ो, फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1400, 1500, 1600, 1600, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता दिया। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस में ओपनिंग का 200 क्लोजिंग का 100 और कुछ नहीं है। क्या सबसे पहले सब्सक्रिप्शन निपटा ले, हम बोले हाँ सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का बात ही निपटा लो। यहां क्या आएगा बाबू, क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक इनकम का अकाउंट है, हम बोले हाँ, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्या आएगा, क्लोजिंग एडवांस, क्रेडिट में ओपनिंग एडवांस, अब तो याद ही हो गया हम लोग को, और क्या आएगा बाय कैश रिसीप्ट पेमेंट से, ये है रिसीप्ट पेमेंट का पैसा, और क्या आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सारा बात इंफॉर्मेशन में देखो दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 800 क्लोजिंग में 700, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग में 200 क्लोजिंग में 100 और इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन है 17,320। क्या बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना पैसा आएगा, हम बोले बिल्कुल आइए निकाल लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया है, रिसीप्ट पेमेंट में कितना आने वाला है 17,320 रुपया, एक काम खत्म। अब कहां चलेंगे हम लोग, इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चलो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड को पढ़ रहे हैं, तो हम बोले सर एक्सपेंडिचर साइड में कुछ टिक किया हुआ, जैसे अपकीप ऑफ ग्राउंड प्रिंटिंग को आप टिक किए, हम बोले ठीक चलो अपकीप ऑफ ग्राउंड पेमेंट में टिक किया हुआ है और टिक किया हुआ है तो अंदर लिखना पैसा को, प्रिंटिंग ये भी टिक किया हुआ है इसका पैसा भी अंदर लिखेंगे, कितना 1000। सैलरी, क्या सैलरी टिक है, नहीं तो बाहर कर दो सीधा, 11,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहां आता है, हम बोले सर वो तो बैलेंस शीट में आएगा, हम बोले ठीक। रेंट, क्या रेंट को टिक किए हैं, नहीं तो बाहर करो। अब देख रहे हैं इनकम का साइड, मतलब वो रिसिप्ट का साइड है, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले यहां जगह छोड़ देते हैं बैलेंस बीडी का, कि हां सर पिछले बार आप भूल गए थे, हम बोले हां सब्सक्रिप्शन, हालांकि हम निकाल चुके हैं कि सर इतना रुपया जाएगा, फिर भी अगर ना भी निकालो तब भी क्या प्लस माइनस निकाल लेते हैं, हम लोग बोले हां तब भी निकल जाता। सेल ऑफ न्यूज़पेपर चार लाइन छोड़ देते हैं कि हम लोग उस तरह से भी देखेंगे निकाल करके, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हम बोले सर पैसा मिला कितने रुपए का, 260। नेक्स्ट लेक्चर, कहीं पे लेक्चर देने गए होंगे तो उसका पैसा 1500 रुपया। एंट्रेंस फी, क्या इस पर टिक किए हुए हैं, हां क्योंकि किस कैपिटलाइजेशन का बात क्वेश्चन किया था तो पैसा अंदर लिखे। मिसलिनियस इनकम, कितना 400। अब नीचे का बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, पहला है एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग का बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग का एडवांस क्या होता था, इनकम एक्सपेंडिचर है माइनस, तो रिसीप्ट पेमेंट में क्या होगा प्लस, सौ रुपया।
प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस तो कहीं जाएगा नहीं, ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? हम बोले सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट का बात है। हम बोले ठीक। इंटरेस्ट, हम बोले सर ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का? 1000। फिर लिखा है प्राइज माइनस में, मतलब प्राइज दिए हैं तो सर वो तो पेमेंट किए होंगे, प्राइस कितने रुपए का? 2000। ठीक। उसके बाद कैप जर्नल फंड, हम बोले वो भी कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। डेफिसिट, वो तो रिसिपिएंट मतलब रखता नहीं है। इंट्रेंस फी 1300 रुपया, तो हम बोल रहे हैं सर 1300 रुपया इनकम में है और 1300 का लाइबिलिटी है, सब मिला के 2600 मिला होगा। हम बोले हाँ। प्लस जो कैपिटलाइज्ड हुआ, छब्बीस सौ मिला होगा तभी तो 1300 का इनकम दिखाएं और 1300 रुपया का लाइबिलिटी दिखाएं। बोले ठीक। आगे बढ़ा जाए, फर्नीचर, हम बोले वो तो एसेट्स है। ठीक। ग्राउंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, कैश इन हैंड, हम बोले हाँ। ये है बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग का कैश है, कितना रुपया? 2300। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस करते थे, यहां माइनस करेंगे, कितना है? 700। नीचे का इंफॉर्मेशन, अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग रिलेटेड टू 14-15 वेयर पेड इन 15-16। बोल रहा है पिछले साल का चीज इस साल पे किए, मतलब वो लास्ट ईयर में अनपेड था, आउटस्टैंडिंग था, तो वो लास्ट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग था मतलब वो ओपनिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते थे इनकम एक्सपेंडिचर में, माइनस। तो यहां क्या करेंगे? प्लस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 600 और 240। आगे बढ़ो। हाफ ऑफ द इंट्रेंस फी हैव बीन कैपिटलाइज, वो तो कर चुके कैपिटलाइज का काम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 800, क्लोजिंग में 700, तो सर ओपनिंग क्लोजिंग का काम तो कर चुके, ओपनिंग वाला प्लस कर दीजिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस होता था, तो रिसिप्ट में क्या होगा? ठीक, उसका उल्टा प्लस। कितना अमाउंट है? 800। और फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग में है 200 और क्लोजिंग में है 100। क्लोजिंग का तो कर चुके हैं, ओपनिंग, ओपनिंग एडवांस क्या करते थे सर? इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस, तो यहां क्या होगा? माइनस। क्या और कुछ है? हम बोले नहीं, अब कुछ नहीं है, जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? बैलेंस बीडी। चलो जोड़ा जाए, 27,740 माइनस करो और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस बीडी, तो ये था इलुस्ट्रेशन नंबर 6 का सोल्यूशन। लिखो